Assalamu alaikum everyone, I hope you guys are doing great. So I'm back with a new recipe and it's a traditional and authentic recipe of Thai toast. It's a crispy Thai chicken toast. तो यहाँ मैंने उसके लिए लिए है ब्रेड, मैंने 4 पीसेस ब्रेड के लिए हैं और हमें किस तरह से कट करनी है मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताऊँगी. उसके साथ मैंने लिया है 1 कप चिकन मिंस्ड, पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, देन मैंने 1 एग लिया है और उसका येलो पार्ट था वो सेपरेट कर दिया बिकॉज इस रेसिपी के लिए वी नीड जस्ट वाइट पार्ट. इसमें सॉल्ट है, एज पर टेस्ट सॉल्ट है और 1/2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है. साथ ही मैंने 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है और यहाँ मैंने ली है हरी प्याज और इसके साथ मैंने ली है लहसुन. लहसुन को मैंने कट के चॉप कर लिया था. उसके साथ ये सॉसेज आपको लेने हैं, आप सर्व कीजिए अपनी मर्ज़ी के सॉसेज के साथ, लेकिन मैं यहाँ इन 3 सॉसेज के साथ इसको सर्व करूँगी. ठीक है, सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए और अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो चलिए कट करते हैं हम पहले हमारी ब्रेड. और हमें ब्रेड, मैंने यहाँ ब्रेड ली है तो 5 ब्रेड्स लिए हैं, पीसेस लिए हैं. मैंने इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में कट करना है. आप भी इसी शेप में कट कर कीजिएगा और आपने इस रेसिपी के लिए मीडियम साइज़ ब्रेड लेनी है, बड़ी ब्रेड नहीं लीजिएगा, आपको मीडियम साइज़ ब्रेड ही लेनी होगी और ये बहुत झटपट से तैयार होंगे. तो हमने ब्रेड कट कर लिए, अब हम रेडी करते हैं मिक्स. देन हमने एक बाउल में चिकन लेनी है और उसके बाद कर देने हैं सारे स्पाइसेस ऐड. और सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो है हम उसे करेंगे प्रॉपर मिक्स. और इनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा. तो पहले हम मिक्सचर रेडी करते हैं और उसके बाद मैं बताती हूँ आगे क्या करना है. सारे स्पाइसेस मिक्स करने के बाद अब मैं ऐड करूँगी हमारा एग का वाइट पार्ट ताकि ये अच्छी तरह से स्टिकी हो जाए. और इसको अब हम लगाएंगे ब्रेड के ऊपर. हमें ब्रेड के ऊपर जस्ट सिंपल जस्ट ये लगाना है चिकन का मिक्सचर और इसके अलावा हमें कुछ नहीं लगाना. तो ये हम इस तरह से लगाएंगे, इसको अच्छी तरह से प्रेस कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से जो है ब्रेड के ऊपर लग जाए. और अब हमें करते हैं सारी हमारी ब्रेड रेडी. देन मैं इसको बताती हूँ आपको आगे क्या करना है. जब हमारी ब्रेड सारी रेडी हो जाएगी हमें इसे फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है. और आपने जिस पार्ट पर चिकन लगाई है आपको उस पार्ट को डालना है डीप ऑयल में. ठीक है, और आपका जो ऑयल है वो मीडियम फ्लेम होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले गर्म कर लीजिएगा देन उसको मीडियम कर दीजिएगा. ठीक है, और इस तरह से आपको डालना है. आपको याद रहे, याद रहे, याद रहे, याद रखिएगा जहाँ जिस पार्ट पर आप पहले चिकन लगाएंगे पहले आपने उसी को डालना है ताकि वो अच्छे से कुक्ड हो जाए, हमारा मिंस जो है वो अच्छे से कुक्ड हो जाए. सो आप देख सकते हैं कि हमारे टोस्ट जो हैं वो रेडी हो गए हैं. सो अब हम इन्हें करेंगे सर्व. और पहले मैं इनको निकालती हूँ, निकालने के बाद हम इन्हें करते हैं सर्व. और सर्व कैसे करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ. सो आप देख सकते हैं कि हमारे क्रिस्पी थाई चिकन टोस्ट रेडी हैं. आप इन्हें किसी भी सॉस के साथ, अपनी पसंद की सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने फेवरेट BBQ चिली गार्लिक एंड मायनीज के साथ सर्व कर रही हूँ. और ये बहुत बहुत झटपट और जल्दी से बनते हैं. ये आप अपने गेस्ट के आगे सर्व कीजिए, बहुत उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे. स्पेशली बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं, तो इसके हम टेस्ट करते हैं. मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा. ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अल्लाह हाफिज़.